उपचुनाव में हम लोग एकदम डट के लड़ रहे हैं। हम लोग कहीं भी एक इंच का भी जगह नहीं छोड़ेंगे जहां भारतीय जनता पार्टी को सुविधा हो। हम लोग शुरू से बोल के आ रहे हैं कि ये चुनाव हम लोग सीरियसली लड़ेंगे, हम लोग उम्मीदवार सीरियसली लड़ रहे हैं और हम लोग शुरू से बोल रहे हैं कि हम लोग का जो सर्व भारतीय जनरल सेक्रेटरी साधारण संपादक अभिषेक बनर्जी जी ने ये चुनाव में आएंगे और हम लोग आज खुशी है कि उन्होंने 14 तारीख सिर्फ एक दिन नहीं और भी दिन उन्होंने आएंगे। पहले शुरुआत है 14 तारीख 14 जून सुबह उन्होंने त्रिपुरा राज्य में अगरतला में कदम रखेंगे और त्रिपुरा राज्य अगरतला में जो दो उपचुनाव होने जा रहे हैं ये साल में एक 6 अगरतला है एक 8 भरदुआली है। ये दोनों क्षेत्रों में उन्होंने रोड शो करेंगे, सभा करेंगे, प्रचार करेंगे और उसके साथ साथ उन्होंने अपना प्रेस का जो दोस्त लोग है उन लोगों से भी उन्होंने मिलेंगे। इसके बाद भी उन्होंने फिर से आएंगे, फिर जाएंगे, कभी सुरमा जाएंगे, कभी जोहर जाएंगे, कभी और भी प्रोग्राम करेंगे। वो सूची हम लोग फिर बाद में बोलेंगे। अभी फिलहाल 14 तारीख को तय है, उनका आना निश्चित है कि अगरतला शहर में। हम लोग उसके लिए जो जो करना है हम लोग जहां जहां जो एप्लीकेशन डालना है हम लोग डाले और उनका कार्यक्रम जारी रहेंगे। अब इनके अलावा भी और भी हम लोगों का स्टार कैंपेनर है जिन लोगों ने आगे इस चुनाव में आएंगे। बाकी चुनाव का सूची रेडी हो जाने से हम लोग आप लोगों को दे देंगे। फिलहाल जो परिस्थिति इसको कैसे देख रहे हैं और इलेक्शन कमीशन को ध्यान देखिए। फिलहाल जो स्थिति है एक डर के माहौल है। फिलहाल जो स्थिति है अभी भी वही स्थिति है जो स्थिति कॉर्पोरेशन इलेक्शन में था, जो स्थिति नगर पालिका निर्वाचन में था। उस चुनाव में भी हम लोग देखे थे कि हम लोगों के प्रार्थी को मारा गया है, प्रार्थी के एक उम्मीदवार का आप चले गए हैं, कुछ हम लोगों को कर्मी लोग हैं जिन लोगों के घर के ऊपर तोड़फोड़ हुआ है उन लोगों को मारे। यहाँ यानी कि उम्मीदवारों को जो बच्चे लोग हैं उनको भी छोड़ा नहीं गया और इस चुनाव में भी हम लोग देख रहे हैं कि एक ही तरफ वो एक ही हिंसा हो रहे हैं। वो हिंसा में कभी कभी हम लोगों को फ्लैग रेस्टोर खोल दिया जा रहा है, चुरा लिया जा रहा है, फेंक जा रहा है। ये सुरमा जगह है जहां बीजेपी का एक नेता ने हम लोगों का एक कर्मी को धमकी दिया, बोला भाई बहुत खराब होगा तो मगर तृणमूल करोगे। हम लोगों को फ्लैग रेस्टोर फाड़ा गया है, हम लोगों को मीटिंग बंद करवा दिया गया है। 6 नंबर में भी वही हुआ है, 6 नंबर अगरतला में भी हुआ है, जुबल नगर में भी हुआ है, हम लोगों का रोका गया है। तो हर जगह स्थिति तो अस्थिर है और भारतीय जनता पार्टी तो उनको मालूम ही है क्योंकि अगर ठीक से चुनाव होंगे, अगर मतदाता लोग उनका मत देंगे तो ये फिर से जीत नहीं पाएंगे। तो नेचुरली इनको तो वही तरीका है जो तरीका उन्होंने पिछले बार भी अपनाया, अभी इस बार भी अपनाए, वोट देने के लिए नहीं देंगे। लेकिन हम लोग भरोसा रखते हैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर। हम लोग बहुत सारे आवेदन किए हैं, पत्र दिए हैं उनको, अभी देखते हैं कि उन्होंने क्या करेंगे।
उसके बाद अगर एक भी और भी ज्यादा हिंसा की घटना हुआ तो हम लोग रास्ते पे उतारे, क्योंकि हम लोग हिंसा पे विश्वास नहीं है, हम लोग गणतंत्र पे विश्वास करते हैं, हम लोग रास्ते पे उतार के जो करना है।